Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स का सेशन होता है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा वीकली इंजीनियरिंग का जॉब अलर्ट का सेशन होता है ये हर वीक हम आपके लेकर आते हैं, और इस सेशन के अंदर हम ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो रिसेंटली रिलीज हुए होते हैं और जिनके लिए जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो एलिजिबल होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स के बारे में। सबसे पहला नोटिफिकेशन है आरबीआई का। आरबीआई ने जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं इस नोटिफिकेशन का। तो देखिए, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यानी आप 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 48 वैकेंसीज हैं इसमें, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी हैं। इसमें देखिए आपका क्या है, आपकी जो 24 वैकेंसी है वो है आपकी सिविल के लिए और आपकी 24 वैकेंसी है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इस तरह से टोटल 48 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। उसके बाद देखिए हम बाकी डिटेल्स की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में या तो आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ, SC/ST PWD कैंडिडेट्स के 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। और जो आपका सिलेक्शन है वो आपका देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 180 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 300 नंबर का एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं उस रीजन की आपको लोकल जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पर होगा सिलेक्शन प्रोसेस। पे स्केल की बात करें तो 21,400 आपकी बेसिक पे होगी, उसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे, तो 53,105 आपकी जो है वो ग्रॉस सैलरी मंथली बनने वाली है। बेसिक पे के ऊपर आपको अलाउंसेस भी अलग से दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, और PWD एक्स सर्विस मैन के लिए 50 रुपए की फीस है, और 450 रुपए की एप्लीकेशन फीस है OBC जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप RBI के स्टाफ हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। अब चेक करते हमारा अगला नोटिफिकेशन है CDAC का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसमें आपका देखिए सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंजीनियर एडजेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट है, इसमें टोटल 7 वैकेंसी हैं। इसमें आप फर्स्ट क्लास जो है वो BA/BTech होने चाहिए कंप्यूटर साइंस IT कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आप MCA होने चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 57 ईयर्स है। और जो दूसरी पोस्ट है वो है आपकी इंजीनियर की एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डाटा सेंटर ऑपरेशंस में। इसमें देखिए आपकी क्या 2 वैकेंसी है, इसमें भी आप फर्स्ट क्लास BA/BTech होने चाहिए, और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 57 साल यहाँ पर रखी गई है, और आपकी सैलरी है वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 फरवरी 2021। तो दोनों आपकी टोटल मिलाकर 9 वैकेंसी है CDAC में। अगला नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो ऑल इंडिया ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इसमें देखिए पहली पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर, इसकी 2 वैकेंसी है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और दूसरी पोस्ट है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में की रिलेवेंट ट्रेड में, और तीसरी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, और 5 टोटल वैकेंसी है मैकेनिकल की 2, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 2 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, और आपके पास मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो सैलरी है 45,000 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 65 ईयर्स है, 65 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और देखिए आपकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 12 फरवरी 2021। 12 फरवरी 2021 तक देखिए जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपको मेल करना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको पूरा फिल करके मेल करना होगा।
जो ईमेल एड्रेस है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, CON करके आपका ईमेल एड्रेस है जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट करे जाएंगे उनका पर्सनल ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑयल इंडिया का। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन चेक करते हैं। अगला नोटिफिकेशन है IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर प्रोडक्शन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। टोटल 16 वैकेंसीज निकली हुई है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 9 वैकेंसी है, EWS की 2, SC कैटेगरी की 2, EWS की 1 और SC कैटेगरी की 2 और OBC कैटेगरी की 4 वैकेंसीज निकली हुई है। तो इस तरह से टोटल आपकी 16 वैकेंसीज निकली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल या फिर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने BSc किया हो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, और मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 26 साल मांगी गई है। अगर आप 18 से 26 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपको जो रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसमें इस सैलरी स्ट्रक्चर दिया नहीं गया है लेकिन ये लिखा है कि जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सैलरी आपको दी जाएगी। 19 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये आपका IOCL जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हो गया यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। उसके बाद कुछ और नोटिफिकेशन है जिनके जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो एक्टिव है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो पहला है मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें 29 वैकेंसीज हैं, 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद है मध्य गुजरात विच कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें 22 वैकेंसी हैं और 14 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब लेट्स जो हमने डिस्कस किए। और देखिए समय समय पर अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं, तो इन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के जो एग्जाम होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास के अंदर आपको 100 प्लस कोर्सेज और 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली इंजीनियरिंग जॉब लेट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेस्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।